मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब आचार संहिता लागू करने का इंतजार। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इंदौर हाईकोर्ट में लिखित में जवाब दिया था कि वो चुनाव के लिए तैयार है और 3 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 6 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसके बाद आचार संहिता लग सकती है। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल अभी भले ही ना बजा हो, लेकिन सियासी दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। जाहिर है कि शहर सरकार बनाने के लिए हर एक पार्टी निकाय चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगी। निकाय चुनाव में वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तीसरी ताकत यानी बीएसपी भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। बीएसपी ने भी निकाय चुनाव की सभी सीटों पर ताल ठोकने का मन बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। चंबल में दिखेगा तीसरी ताकत का तिलिस्म। निकाय चुनाव में बीएसपी भी दिखाएगी दम। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। कांग्रेस बीजेपी कौन होगा परेशान? प्रदेश में अब किसी भी वक्त नगरीय निकाय के चुनावों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं अब निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरती नजर आएगी। सियासी समीकरण की नजाकत को समझते हुए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ग्वालियर में बीएसपी ने अपना जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीएसपी का दावा है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी और प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे। भीड़ है जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको देखकर लग गया होगा कि बीएसपी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है इस आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जिला पंचायत चुनाव हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो पूरी टीम है, और इस बार एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में रचेंगे। देखिए बीएसपी का वजूद बहुत ही सुनहरा है और यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि तीसरी ताकत के रूप में अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास कभी हो नहीं सकता। उधर कांग्रेस भी बसपा को लेकर उपचुनाव का उदाहरण देती दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव में जाने का अधिकार है। बसपा उपचुनाव की तरह इस बार भी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाएगी और निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। देखिए हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार तो होता है कि वह निर्वाचन में जाए, और मुझे लगता है कि ये एक प्रजातंत्र का महोत्सव होता है, ठीक है, सभी को अधिकार है। किंतु जहाँ तक बसपा का सवाल है और ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ तक उनकी स्थिति है, तो अब विगत 2 चुनाव में देखेंगे, विधानसभा में और उसके बाद उपचुनाव में देखेंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करा पाएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं बीएसपी के दावों पर बीजेपी बिल्कुल कूल नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। पिछले चुनाव हमने देखा कि बीएसपी के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा वोट ना मिले, बल्कि उनका वोट बैंक कांग्रेस को मिला। तो यदि ऐसा करती है बीएसपी तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि वोट वो कांग्रेस के ही काटेगी। कुल मिलाकर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएसपी के आने से कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। हालांकि उपचुनाव में भी बीएसपी ने पूरी दमदारी के साथ चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन उनके ज्यादातर कैंडिडेट बुरी तरह हार कर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में अब निकाय चुनाव में बीएसपी क्या दम दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़।